आइए दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूँ उज्जैन के बाकमाल शायर मोहतरम जनाब मिर्ज़ा जावेद बेग साहब से, मैं शाहनवाज हसीबी साहब के शेर से आपको दावत कलाम देता हूँ। राह साहब के लिए आपने कहा कि हज़ारों जश्न चरागा का अहतमाम किया, हज़ारों जश्न चरागा का अहतमाम किया, मगर हुई नहीं रोशनी तुम्हारे बाद। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मोहतरम जनाब मिर्ज़ा जावेद बेग साहब। बहुत शुक्रिया नईम आफ्ताब साहब, सदर मोहतरम की जाना चाहता हूँ। सत्तर भाई मौजूद हैं, राहत साहब की कमी यकीन पूरी नहीं हो सकती और जैसे तालिब इल्म की औकात भी नहीं कि उनके लिए कुछ लिख सकूँ, लेकिन चंद मिसरे हाजिर करता हूँ। देखे राज अकीदत पेश करते हुए चंद मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। देखिएगा सारा भाई, पेश उस शख्स को खिराज मेरा, पेश उस शख्स को खिराज मेरा जो कलंदर था जंग चूबी था। आहा, पेश उस शख्स को खिराज मेरा जो कलंदर था जंग चूबी था, जिसका हर शेर दिल के खाने में एक बिलाली अजान की मानिंद मुस्तकिल अपना घर बनाता था। पेश उस शख्स को खिराज मेरा। पेश उस शख्स को खिराज मिला, बेजुबानों की जो जुबान बना, बेजुबानों की जो जुबान बना, जो खतीबों का भी बयान बना। मैंने हजरत अल्लामा इकबाल के अशार को मस्जिदों में इमाम हजरात को बयान में उनका नाम लेते हुए सुना था। उनके बाद अगर किसी का सुना तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का सुना, कि उनके शेर कोट करके राहत इंदौरी साहब के बयान में बात करें, उसी को मैंने मिसरा बनाने की कोशिश की। देखिए कि बेजुबानों की जो जुबान बना, जो खतीबों का भी बयान बना, बन के मजलूम की बुलंद आवाज मसनद जुल्म को हिलाता था, गाल पर दोगली सियासत के संग सनाता जो एक तमाचा था। पेश उस शख्स को फिराज मेरा। बेजुबानों की जो जुबान बना, जो खतीबों का भी बयान बना, बन के मजलूम की बुलंद आवाज मसनदे जुल्म को हिलाता था, गाल पर दोगली सियासत के सनसना का जो एक तमाचा था। पेश उस शख्स को फिराज मेरा। पेश उस शख्स को फिराज मेरा। पेश उस शख्स को फिराज मेरा, हिंदू मुस्लिम को सिख ईसाई को, हिंदू मुस्लिम को सिख ईसाई को रेशमी तार में पिरोते हुए इश्क के फलसफे सिखाता था। हिंदू मुस्लिम को सिख ईसाई को रेशमी तार में पिरोते हुए इश्क के फलसफे सिखाता था, आशिकों के लिए जो वे लोगों राहते जा था एक मसीहा था। पेश उस शख्स को सलाम मेरा, पेश उस शख्स को फिराज मेरा। चार मिसरे ऐसे भाई की नजर शानदार मुश्किल इन्होंने सुझाई कि मोहब्बत की शम्मे जलाते रहेंगे। मकसूद भाई मोदी जी, मोहब्बत की शम्मे जलाते रहेंगे, अदब की ये महफिल सजाते रहेंगे। मोहब्बत की शम्मे जलाते रहेंगे, अदब की ये महफिल सजाते रहेंगे। सियासत कदूरत बढ़ाती रहेगी, हम अहले कलम दिल मिलाते रहेंगे। सियासत कदूरत बढ़ाती रहेगी, हम अहले कलम दिल मिलाते रहेंगे। कथा हासिल करता हूँ कि रिश्तों की कहकशा को जकड़ कर जो चलेगा, रिश्तों की कहकशा को जकड़ कर जो चलेगा है कामयाब हाथ पकड़ कर जो चलेगा। रिश्तों की कहकशा को जकड़ कर जो चलेगा है कामयाब हाथ पकड़ कर जो चलेगा, और वो रेत की दीवार सा गिर जाएगा एक दिन अल्लाह की जमीन पे अकड़ कर जो चलेगा। वाह 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 वाह।
रिश्तों की कहकशा को जकड़ कर जो चलेगा, एक कामयाब हाथ पकड़ कर जो चलेगा, वो रेत की दीवार सा गिर जाएगा एक दिन, अल्लाह की जमीन पे अकड़ कर जो चलेगा, अल्लाह की जमीन पे अकड़ कर जो चलेगा। चार इसरे लिखे कि आंखों से उनकी ख्वाब सलोने हटा के मैं, आंखों से उनकी ख्वाब सलोने हटा, आंखों से उनकी ख्वाब सलोने हटा के मैं पछता रहा हूँ दास्ता अपनी सुना के मैं, आंखों से उनकी ख्वाब सलोने हटा के मैं पछता रहा हूँ दास्ता अपनी सुना के मैं, और बच्चों ने उसके बाद खिलौनों की जिद न की, नादिम हुआ हूँ आग का छाला दिखा के मैं, बच्चों ने उसके बाद खिलौनों की जिद न की, नादिम हुआ हूँ आग का छाला दिखा के मैं। अजीम भाई की तवज्जो का ताली में चार मिसरे की बताऊं क्या कि मुझे और क्या दिखाई दिए, बताऊं क्या कि मुझे और क्या दिखाई दिए, वो लोग सिर्फ मुझे पारसा दिखाई दिए, बताऊं क्या कि मुझे और क्या दिखाई दिए, वो लोग सिर्फ मुझे पारसा दिखाई दिए, और भरम का पर्दा मेरी आँख से हटा जिस दम मेरे अजीज बड़े बेवफा दिखाई दिए, भरम का पर्दा मेरी आँख से हटा, भरम का पर्दा मेरी आँख से हटा जिस दम मेरे अजीज बड़े बेवफा दिखाई दिए। एक शेर अलग से दोस्तों अब तक आप मिर्जा जावेद बेग साहब की शायरी पहुंच रही है, तो एक बार जोरदार तालियों बजा के इस्तकबाल कीजिए। बहुत धन्यवाद। एक शेर देखिए, खासतौर पर आवाज़ में शेर किया कि उसने आँखों में धूल झोंकी तो उसने आँखों में धूल झोंकी तो साफ आने लगी नजर दुनिया। उसने आँखों में धूल झोंकी तो साफ आने लगी नजर दुनिया, साफ आने लगी नजर दुनिया। एक बंदा और तीन शहर और उसके बाद से मतलब तमाम मतलब कहा कि किसी के गम में कोई पुरमलाल थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, और मदद ये गैरों की तुझको ही रास आएगी, तेरी नज़र में अना का सवाल थोड़ी है, तेरी नज़र में अना का सवाल थोड़ी है, और अभी तो बाकी है गिरना तवाइफों से सिवा, अभी तो बाकी है गिरना तवाइफों से सिवा, यहीं पे खत्म सियासी जवाब थोड़ी है, अभी तो बाकी है गिरना तवाइफों से सिवा, यहीं पे खत्म सियासी जवाब थोड़ी है, तो अभी ना आएंगे ये तख्त ताश ठोकर में, अभी ना आएंगे ये तख्त ताश ठोकर में, अभी हमारे लहू में उबाल तोड़िए, अभी ना आएंगे ये तख्त ताश ठोकर में, अभी हमारे लहू में उबाल तोड़िए। बहुत शुक्रिया।